दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में गुरुवार को एक दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद और रेफरेंडम 2020 के नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने दीवार पर लिखे नारों को मिटवा दिया है। दिल्ली पुलिस के PRO सुमन नलवा ने बताया कि कुछ लोगों ने दिल्ली में कई जगहों पर देश विरोधी खालिस्तान संबंधी नारे दीवारों पर लिखे थे। यह सुरक्षा से जुड़ा मसला नहीं है, इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का हर वर्ग यह सुनिश्चित कर रहा है कि गणतंत्र दिवस से पहले कोई गलत गतिविधि न हो, इससे हमारी सुरक्षा प्रभावित नहीं होती है। सुमन नलवा ने कहा कि SFG एक प्रतिबंधित संगठन है, इसलिए यह खुद को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, वह खबरों में बने रहना चाहता है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए इस समय दिल्ली पुलिस सतर्क है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए इस समय पुलिस पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बीते 12 जनवरी को जहांगीरपुरी इलाके से 2 कथित आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के संदेह में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों के किराए के मकान से 2 हथगोले और भलसवा डेरी इलाके से एक छत विछत शव बरामद किया था। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अतिरिक्त CPP कुशवाहा ने बताया था कि वे दक्षिण पंथी नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने बताया था कि सिर्फ अपने आकाओं को अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए एक व्यक्ति को मार डाला था। फिलहाल दोनों कथित आतंकियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया था कि नौशाद आतंकवादी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ है और जगजीत कुख्यात बम्बीहा गिरोह का सदस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।